इसराइल में विपक्ष सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पद से हटाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसराइल के राष्ट्रपति रेवन रिवलिन ने इसकी जानकारी खुद देते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टियों में इसको लेकर समझौता हो गया है और वो नई सरकार के गठन के लिए भी लगभग तैयार हैं। ये सब कुछ बुधवार को विपक्ष की समय सीमा खत्म होने से करीब आधे घंटे पहले हुआ। आपको बताने कि नेतन्याहू 12 वर्षों से पीएम पद पर काबिज हैं। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति को यार्डे लैपिड ने ईमेल के जरिए दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो ये बताते हुए काफी गौरवान्वित हो रहे हैं कि उन्हें सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली है। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त राष्ट्रपति सॉकर कप फाइनल देख रहे थे। उन्होंने लैपिड को इसके लिए बधाई भी दे दी है। लैपिड के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रवादी नेफ्ताली बेनेट ने अब इसराइल के नए प्रधानमंत्री होंगे।